नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स्वीक अनेडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी भर्ती को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और ये भर्ती जो है वो रद्द भी हो सकती है इसके अलावा अगर बात की जाए नई एल टी शिक्षक भर्ती को लेकर सात पदों पर नई टी जी भर्ती के बारे में साथ ही यू और इसके अलावा अगर बात की जाए साढ़े तीन हज़ार से ज़्यादा पदों पर नायब तहसीलदारों की भर्ती को लेकर वीडियो को लाइक कर दें साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन एडाफ स्टडी चैनल के माध्यम से दी गई तमाम वो जानकारी सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अनएकेडमी लेकर आया है अनएकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जिसके अंदर आप सभी के एक्शन प्लान को और भी मजबूती दी जाएगी भले ही आपका एक्शन प्लान बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करना हो या फिर एसएससी एग्जाम को क्रैक करना जो कि आप सभी के लिए बहुत जल्द बहुत बड़ी चीज़ देखने के लिए मिलेगी जिसमें आपको दोनों ही एग्जाम को क्रैक करने में राहत मिले और आप एक सही मार्गदर्शन पाकर नौकरी प्राप्त करें चाहे वो एस के अंदर हो या फिर बैंकिंग के अंदर उसी को लेकर चौबीस अप्रैल दो को अनएकेडमी लेकर आया कुछ बड़ा जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अभी एनरोल करने के लिए आज गौतम टेन लगाकर एनरोल करें क्योंकि अन अकेडमी पर आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर साथ ही बेस्ट प्रिपरेशन तो देर किस बात की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है लिंक पर क्लिक करके आर गौतम टेन लगाकर अनरोल करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की हर एक भर्ती के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं जब परीक्षा करवाई जाती है तो पेपर लीक जैसे मामले देखने के लिए मिलते हैं या फिर सॉल्व बिठाए जाने जैसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं और जब परिणाम जारी होते हैं तो एक से एक बड़ा टॉपर निकल कर सामने आता है ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी भर्ती के अंदर देखने के लिए मिला जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल रोक लगा दी गई है हालांकि इस भर्ती को रद्द करने की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी लेकिन अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को

इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरोप भर्ती परीक्षा को लेकर यहाँ पे विवाद देखने के लिए मिला बाद में अभ्यर्थी इस मामले को लेकर न्यायालय में चले गए अब न्यायालय में सुनवाई देखने के लिए मिली और उसके बाद 25 तारीख लगा दी गई हाईकोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए इस भर्ती के अंदर नियुक्ति पत्र के ऊपर रोक लगा दी गई मतलब यह है कि जब तक इस याचिका का कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे इस भर्ती के अंदर किसी को नियुक्तियाँ नहीं दी जाएंगी और अगर परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार पूरे तरीके से माना जाता है स्वीकार किया जाता है तो ऐसे में इस परीक्षा को रद्द भी किया जा सकता है तो ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरो को लेकर जो विवाद देखने के लिए मिल रहा था फिलहाल इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है नीचे देखने के लिए मिल जाता है कि इस परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए गए थे अगली सुनवाई पच्चीस अप्रैल को होगी लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यू की, की आंसर की को लेकर आप सभी जानते हैं कि यू की, की आंसर की को लेकर छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला है वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे थे लेकिन कल जब आंसर की जारी की गई तो उनके यहाँ पर नंबर नहीं बढ़े और ऐसे में उनके मन में चिंता सताने लगी कि वो आगे क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है यहाँ पर लिखा है कि संशोधित उत्तरमाला के अंदर आठ प्रश्नों पर कॉमन अंक मिले हैं हालांकि मैंने आप सभी को बताया था कि पांच क्वेश्चन ही मिले थे जिसके अंदर तीन प्राथमिक के थे और यहां पर दो आपको जूनियर के देखने के लिए मिले हैं लेकिन इसके अंदर पीएनबी सचिव के बाद जानकारी देखने के लिए मिलती है कि किन किन क्वेश्चनों को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने कॉमन नंबर दिए जाते हैं ऐसे में अगर बात की जाए यू के अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि बॉर्डर लाइन पर लटके हुए हैं एक दो नंबर की वजह से पीछे रह गए हालांकि पी के माध्यम से जो आंसर की जारी की गई है दो के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ऊपर कॉमन नंबर दिए गए थे लेकिन पीएनपी ने उसके अंदर कोई सुधार नहीं किया वजह जो भी रही हो एक बार फिर से मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय में जाकर यूपी टी के परिणाम को चैलेंज किया जाएगा बाकी अगर बात की जाए टीई टी के परिणाम को लेकर तो आज दोपहर के बाद में यूपी टी का परिणाम यहां से घोषित कर दिया जाएगा यूपी टी टी की अगर बात की जाए प्राथमिक के अंदर पांच प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिए गए हैं इन विषयों के अंदर प्रश्नों पर कॉमन अंक मिले हैं अगर बात की जाए प्राथमिक स्तर की परीक्षा के अंदर तो कुल पांच प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर कॉमन नंबर दिया गया है इसके सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे मनोविज्ञान विषय की एक अंग्रेजी और इसके अलावा तीन संस्कृत विषय के आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसके एक से अधिक प्रश्न यहाँ पर सही थे उसी को लेकर नीचे जानकारी आप सभी के सामने दी गई है सचिव परीक्षा नियम के अधिकारी की ओर से को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टी टी उत्तर माला जारी कर दी गई है प्राथमिक स्तर में पाँच और उच्च प्राथमिक के अंदर तीन प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिए जाने की बात की जा रही है सचिव के मुताबिक प्राथमिक के पाँच प्रश्नों को उत्तर बदल दिए गए हैं और जबकि उच्च उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो तीन क्वेश्चनों को यहाँ से बदला गया है हालांकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को लेकर मैंने जानकारी आप सभी को जो दी थी पाँच क्वेश्चनों की थी फिलहाल जहाँ पर जो लिखा है वो आप सभी को समझाने का प्रयास है उसी के क्रम में अगर बात की जाए परिणाम को लेकर तो दोपहर के बाद जारी कर दिया जाएगा अभी भी कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर कम हो गए क्योंकि यहाँ पे नंबर अभी और बढ़ने चाहिए थे लेकिन अब ये अभ्यर्थी एक बार फिर से मामले को लेकर न्यायालय में जाएंगे न्यायालय में जाकर नंबर बढ़ेंगे एक दो नंबर बदल सकते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं एक या दो नंबर से पीछे रह गए अब उनके पास अंतिम रास्ता यही है कि वो जाकर न्यायालय में अपने मुद्दे को रखें लेकिन बात की जाए के बारे में जो उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली एक और बड़ी भर्ती को लेकर जैसा कि दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्व निरीक्षकों इसके अलावा नायब तहसीलदारों की भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी जिसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा राजस्व परिषद की अगर बात की जाए अगले सौ दिनों के अंदर राजस्व निरीक्षकों के लगभग दो, दो पदों पर इसके अलावा नायब तहसीलदारों के लगभग छः पदों पर भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी इससे पिछले कई वर्षों के अंदर पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे नीचे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि राजस्व परिषद की एक अधिकारी ने बताया है कि राजस्व निरीक्षकों की जो रिक्त पदों का अनुपात होता है वो छिहत्तर इस टू ट्वेंटी टू इस टू जीरो टू देखने के लिए मिलता है लेखपाल की अगर बात की जाए संघे अमीनों इसके अलावा भूमि अध्यापति अमीनों की जो पदोन्नति की जाती है वर्तमान में राजस्व निरीक्षकों करीब दो पद खाली हैं और नायब तहसीलदारों के लगभग छः पद खाली हैं इन सभी पदों को जोड़कर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा लगभग पैंतीस सौ पदों पर इसको लेकर जो भर्ती है वो की जाएगी जिसको लेकर जल्द आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी इनको लेकर रिक्त पदों का जो व्यवहार है वो इकट्ठा कर लिया गया है जल्दी संबंधित विभाग को भेजकर इसका विज्ञापन जारी होगा लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए नई एल टी शिक्षक भर्ती को लेकर जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नई एल टी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जानकारी 2020 के अंदर मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से दी गई थी धीरे धीरे करके 2020 भी बाईस भी आधा हो चुका है लेकिन अभी तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ उसी के क्रम में आज भी जानकारी देखने के लिए मिली है नई एल टी केड शिक्षक भर्ती के अंदर नए अध्याचन में शामिल नहीं किया गया है पुरानी भर्ती के हज़ारों पदों का अध्याचन आप जानते हैं मैंने कई बार आप सभी को बताया है कि पुरानी भर्ती के अंदर लगभग साढ़े तीन हज़ार से ज़्यादा पद खाली हैं और नई भर्ती के अभी तक जो अध्याचन मिले थे वो लगभग डेढ़ हज़ार के समथिंग थे हालाँकि अध्याचन अगर सही क्रम में मांगे जाएँ तो नौ पदों पर नई एल टी के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एल टीकेट शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक लगभग बात की जाए तो बारह पदों का अध्याचन मिल चुका है लेकिन इनमें पुरानी भर्ती के दौरान खाली रह गए हजारों पदों को शामिल नहीं किया गया है प्रतियोगिक छात्रों की मांग की जा रही है कि पुराने पदों को जोड़कर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए एलटी के के दस हज़ार सात सौ अड़सठ पदों भर्ती का विज्ञापन दो हज़ार अठाई में जारी किया गया था जिसके अंदर अगर बात की जाए तकरीबन बत्तीस सौ पद यहाँ से खाली रह गए थे इन बत्तीस सौ पदों को जोड़कर नई भर्ती के अंदर जोड़कर विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है इससे पहले भी चैन बोर्ड के सामने माफ कीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने चेयरमैन से मुलाकात करते हुए छात्रों की तरफ से मांग रखी गई थी कि नई एल टी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हो उसके अंदर पुरानी भर्ती के पदों को जोड़कर इसके अलावा वर्तमान में जो पद खाली हैं पदोन्नति के बाद जो पद खाली हुए हैं उन सभी पदों को जोड़कर नई एल टी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा विवाद और देखने के लिए मिलता है जो कि संकर्ष योग्यता को लेकर है दो चार दिन पहले आप सभी को मैंने जानकारी भी दी थी कि हिंदी को लेकर समकक्ष योग्यता का जो विवाद है वो खत्म हुआ है लेकिन अभी भी कई अलग अलग विषयों के अंदर ये विवाद अभी भी जारी है अगर बात की जाए कला के अंदर या फिर अगर बात की जाए कई और विषयों के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा जाए जिसको लेकर अभी तक आयोग के माध्यम से सभी विषयों के अंदर समकक्ष योग्यता को लेकर जो अंतिम फैसला है वो नहीं लिए गए हैं और यही वजह है कि नई एल टी शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी को इंतज़ार करना पड़ रहा है लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं लगभग सात पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है मैंने कल भी आप सभी को जानकारी दी थी कि अगर आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद आप सभी के लिए साबित होगा कि जल्द ही एल शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा उसी को लेकर आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगा शिक्षकों की अगर बात की जाए सात हज़ार दो सौ अड़सठ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो गई है नई भर्ती अगर बात की जाए नई सरकार बनने के बाद से सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों को लेकर तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त स्कूलों के अंदर शिक्षकों पर प्रधानाचार्य के लगभग सात पदों को लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है चयन बोर्ड के सचिव ने बुधवार को सभी डी को पत्र लिखकर रिक्त पदों के ऑनलाइन सत्यापन कराए जाने को लेकर निर्देश दिया है सत्यापन के लिए बोर्ड ने जो पोर्टल है वो सोलह तारीख से लेकर पच्चीस के बीच में खुलेगा जिसकी जानकारी मैंने कल ही आप सभी को दी थी कि यहाँ पे दिसंबर दो के अंदर दो के अंदर जो रिक्त पदों का विज्ञापन चेनवुड को प्राप्त हुआ था 7268 पदों का इसका सत्यापन किया जाएगा जिसको लेकर 16 से लेकर 25 के बीच में पोर्टल खोलकर जानकारी मांगी जाएगी और अगर पदों की संख्या बिल्कुल सही रहती है कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है तो जल्दी इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा लेकिन इसी बीच एक सवाल आप सभी के मन में मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि यहाँ पे जब तक पुरानी भर्तियों को लेकर समायोजन नहीं हो जाते तब तक नई भर्ती के लिए इंतजार करना होगा समायोजन के कारण जो पदों की संख्या वो घट भी सकती है नई भर्ती के लिए प्राप्त अगर बात की जाए रिक्त पदों के समायोजन को लेकर विज्ञापन की संख्या 2021 में टीजीटी जी की अगर बात की जाए यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो समायोजन है वो किया जाएगा और ऐसे में अगर इन अभ्यर्थियों का समायोजन होता है तो नई भर्ती के अंदर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा कितने पद खाली है इसको लेकर जानकारी मैंने कल भी दी थी कि टी के अंदर लगभग साढ़े चार के साढ़े और इसके अलावा अगर बात की जाए प्रधानाचार्य के लगभग चार सौ पैंसठ प्रधान

बी एड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अंदर कोई बदलाव नहीं करेगा वहीं अगर बात की जाए पुराने जो धड़ल्ला अपनाया जाता है एन के माध्यम से उसी के आधार पर बी एड का जो पाठ्यक्रम वो देखने के लिए मिलेगा तो बी एड दो हज़ार बाईस को लेकर जल्दी आप सभी का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके लिए आप सभी का नोटिफिकेशन जारी होकर अगस्त तक आप सभी की यहाँ से जो काउंसलिंग है वो करा दी जाएगी और इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है वीडियो को लाइक कर दें साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें